देश का नौजवान है वो त्रस्त है, रोजगार नहीं है। मैंने समस्या के रोजगार अगर हो जाए तो कोई रोजगार नहीं है। अब चुनाव आ गया तो घोषणा जरूर चल रही है। अब क्या कर लेंगे भाई, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी 10 दिन में, तो घोषणाओं से थोड़ा देश चलने लग रहा। देश को कोरोना अभी तो नहीं आएगा, मैं कह रहा कि अभी इतने इनकी रैली हो रही, इतना कोरोना नहीं आ रहा, जब दूसरा कोई करण लगेगा कोरोना आ जाएगा तुरंत। भैया रेंज ऊपर क्यों चढ़ लिया, आराम से एक साथ। अरे पूछो भाई, पूछो जोशी जी। देखो ये पूरा एक जगह है, यहाँ पे देखने हालात क्या है भाई। हालात ठीक नहीं, आगे भी गन्ने के किसान यहाँ का तराई तराई मजा रहा। आपके यहीं शुगर फैक्ट्री है, ना मजदूरों के पैसे दिए, ना किसानों के दिए, ना फैक्ट्री चल रही, कहाँ बेचे किसान गन्ना। आंदोलन में लोग जा तो बैरिकेडिंग लगा हुए यही इसमें ही बॉर्डर पर ही। हमने कहा भाई बैरिकेडिंग आज तोड़ लो, तो जब तोड़ फोड़ कर जब गए यहाँ का किसान, खाद की यहाँ दिक्कत, बिजली की यहाँ पर दिक्कत, और मेन न्याय है कि फसलों के रेट नहीं है, MSP पे खरीद नहीं होती, लोग इंगा तिंगा बेचते हैं, जमीनों की इनकी नाप लग रही है। करवाण पहले ज्वाइंट का खाता जी, सारों को बुला रहे, किसी का भाई कोई कहीं जा रहा होगा, कहीं नौकरी पेशे पे तो उसकी भी जमीन, तो ये दिक्कतें हैं यहाँ पे। और यही पहाड़ का हाल है, वहाँ से तो पूर्ण रूप से पहाड़ से तो प्लान हो रहा है उनका, बहुत बुरा हाल पहाड़ के किसान का। यहाँ पे जंगली जानवर और प्लान होके वे पूर्ण रूप से निचार है, पहाड़ का बहुत बुरा हाल है। ये हिल स्टेट है तो पहाड़ के किसान की बहुत बड़ी दुर्दशा। हमने सरकार को ये कहा कि आप उनको जो वहाँ पे पैदा होता है आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे, उससे कुछ किसानों की जान बच जाएगी। आप उनको हिल पॉलिसी देखो, जो लोग पहाड़ पर रह रहे उनको हिल अलाउंस दे दो वहाँ पर रहने का, वो कुछ नहीं है। विलेज टूरिज्म पॉलिसी, पहाड़ का आदमी आ रहा है वहाँ पर जाता है, जो नीचे से जो घूमने जाता है, लेकिन पहाड़ के आदमी को कोई फायदा नहीं उसका नहीं। हिमाचल की पॉलिसी है उसको लागू कर दो तो पहाड़ के किसानों को जो वहाँ पे लोग हैं उनको फायदा होगा। इस संबंध में कोई वार्ता हुई आपकी? वार्ता मुख्यमंत्री को कहा था भाई, संबंध में ये कह रहे जी कर रहे काम, लेकिन अब कहाँ कहेंगे, अब तो नहीं पंडा छुटाना भारी हो रहा, अब तो जा रहे हैं कोई अडवाणी में है क्या कहेंगे सर? हाँ मोदी जी तो यही नहीं आ रहे हैं, वे किसी को फायदा दे देगा ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार में जो पट्टे प्रधानमंत्री हैं वे किसी एक पार्टी को फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहरे पे बैठे भाई, कोई अगर प्रधानमंत्री एक पार्टी को फायदा देगा तो हम उसका विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री सबका है, देश का है, वो वहां से कुछ सामान जा रहा हटा कर फिर किसी को दे रहा तो निगाह रखेंगे, ऐसे नहीं। किस तरह की उम्मीद है उनका दौरा है क्या? अभी तो घोषणाओं का दौर चल रहा है, इन्हें 5-7 दिन और ये घोषणा करेंगे, काम पता नहीं कब करेंगे। ये चुनावी घोषणा आएगा कहीं, 2022 के चुनाव उत्तराखंड में, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है, क्या रहेगी? तो हमें क्या इलेक्शन लड़ना, किस और गठबंधन लेंगे आप? नहीं हमें नहीं लड़ना, हम तो अपनी बात बताऊंगे, इनसे नाराज बहुत है। इसके बावजूद भी आपका लगातार चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, राजनीतिक प्रोपेगंडा अपना रहे, क्या है? कहाँ है मारवाड़ में राजनीति, कहाँ है? अगर आपका कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता तो क्या कहाँ लड़ रहा कार्यकर्ता? और मैं क्या भाई, किसी को वोट देने भी जा रहा, कोई अगर कोई चुनाव लड़ रहा तो भाई हम क्या रोक सके, तो भागते है को रोक सकेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान भाई है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, यहाँ पर बहुत कम है, तो आप उनके? नहीं नहीं, किसान भी यहाँ पे हैं, आदिवासी भी यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं भूमिहीन किसान भी है, मजदूर भी है यहाँ पे, सब है यहाँ पे, लेकिन देश का नौजवान है वो त्रस्त है, रोजगार नहीं है। मेन समस्या है कि रोजगार अगर हो जाए तो कोई रोजगार नहीं है। अब चुनाव आ गया तो घोषणा जरूर चल रही है, अब क्या कर लेंगे भाई, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी 10 दिन में, तो घोषणाओं से थोड़ा देश चलने लग रहा। देश को कोरोना अभी तो नहीं आएगा, मैं कह रहा कि अभी इतने इनकी रैली हो रही, इतना कोरोना नहीं आ रहा, जब दूसरा कोई करण लगेगा कोरोना आ जाएगा तुरंत।
और 11 सर 5 बजे तक को कोरोना का आया। अब रात के अंधेरे में दिन में इन्हें दिखता नहीं कहीं, रो रात को आवे। आपकी राय क्या बोलती है कि कोरोना को देखते हुए? जनता कह रही कि ना वोट आठ को कोई दिखता नहीं, और ये कोरोना का बहाना लेगा कुछ ना कुछ ऐप जारी जरूर बच कर है ना। सर पंजाब में जो है कई किसान संगठन ने अपनी पार्टी बनाई है, वे छुट्टी पे गए भाई 4 महीने की। क्या कहें, 4 महीने की छुट्टी पे गए, छुट्टी लेकर कोई का क्या काम कर रहा है अपने घर में बताओ, हम क्या करें? हम कोई छुट्टी लोग उसके घर लोग को भी देखेंगे यहाँ छुट्टी से वापस आने। अरे जब वापस आओ जब जब देख लेंगे भाई, अभी तो छुट्टी पे गया, आप चैनल छोड़कर अपने घर पे जाओ तो चैनल वाले की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप सट्टा खेल लो, आप ताश खेल लो, आप शराब की दुकान पे जाओ, आप खेल कूद करो, आप अपनी रिश्तेदारी में जाओ, तो वो जिम्मेदारी नहीं। अब नए साल पे छुट्टी लेकर लोग गए, वे नैनीताल घूमो या मसूरी घूमो, जनरल वालों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं। तो यहाँ से भाई छुट्टी पे गए 4 महीने की, जब आओगे जब पूछ जाएंगे। 26 जनवरी नजदीक से क्या कहेंगे? 26 जनवरी को बताओगे, अभी है टाइम 26 जनवरी का बताओगे। 26 जनवरी को 26 जनवरी 28 तारीख लोग को याद रहेगी, सब चीज याद रहेगी। हाँ करेंगे भाई, ट्रैक्टर कहाँ जाएंगे, ये घूम फिर तो करेंगे 26 तारीख में। नए साल पे जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप? नए साल पे जनता से ये है कि भाई अपना ध्यान रखो, अपने रोजी रोटी पे ध्यान रखो, सरकार तो कुछ देने वाली है नहीं, अपनी जमीनों को बचा कर रखो, रोजगार दे, देश बिगड़े लग रहा। जिनके पास जमीनें नहीं है वो, मैं कह तो रहा कि रोजगार जाल लग रहे, अपने ध्यान रखो अपने काम धंधो पे, सब रोजगार जाल ही है, इन सब चीजों पर ध्यान रखो सब।